उसने कहा कि हे हनुमान जी, अगर मैं नीचे उतर आऊँगा तो आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। और नीचे आया तो उसने कहा मैं 5 किलो चढ़ाऊँगा। कि और नीचे आकर कहा 1 किलो चढ़ाऊँगा। जब उतर गया नीचे तो कहा मैं उतर गया क्या चढ़ाऊँगा। जो जिस जात का है उसको पैसा करने के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको लोन मिलेगा। मैं निषाद हूँ तो मुझे मछली पालन के लिए लोन मिलेगा। मछली पालन करूँ मैं, देश मैं IAS न बन सकूँ, मैं पॉलिटिशियन न बन। पॉलिसी है, हमें लगता है कि जिस तरह से मनुष्यपत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधार पर व्यवस्था थी, वही व्यवस्था RSS जो है ये संघ लाना चाहती है। हमारा आरक्षण खत्म हो गया, हमारी जाति जनगणना नहीं हो रही, हमको जाति जनगणना के आधार पर सभी क्षेत्रों में भागीदारी नहीं मिल रही। हमारी पीढ़ी आगे, हमारा जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है वो सोच रहा है पढ़ के मैं क्या करूँगा। संबर्ध भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SBCCI के सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंचासीन हमारे वैज्ञानिक और पूषा के हमारे अधिकारीगण, और विभिन्न हमारे जो संगठन हैं उनके सभी हमारे भाई, अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने और सचान साहब ने कुछ बताया। हम लोग जब पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर का जब बजट का पार्ट आता है तो हम लोग लगातार डिस्कस किए। हमारे प्रॉब्लम्स कई हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, ज़्यादा एरिया में हम लोग खेती करते हैं लेकिन कम उत्पादन करते हैं, और अमेरिका जैसे तमाम देशों में कम एरिया में खेती करते हैं और इतना ज़्यादा पैदा करते हैं कि दूसरे देशों को भेजते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के, हम चूंकि पूसा के अधिकारी बैठे हैं उसको अन्यथा न ले, जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने संस्थान के लिए काम किया, और जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको लगा दिया मंत्री के फार्म हाउस में लगा दिया, स्टेट के मंत्री के और केंद्र के मंत्री के फार्म हाउस में लगा दिया, उनके लिए काम किया लेकिन देश के लिए काम नहीं किया। इसलिए आज हालत है। अभी किसान को तो मालूम ही नहीं होता कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे परिवार बच्चे लगे रहते हैं, पूरा परिवार लगा रहता, कितनी इन्होंने डिटेल पे बताया 5 एकड़ में कितना हमारा धान की खेती में कितना लेबर लगता है, कितना पैसा लगता है और हमें उत्पादन क्या मिलता है, माइनस में जाते हैं। क्योंकि लगातार बार बार यही देश की संसद में आवाज़ उठती है, और जब चुनाव आते हैं तो चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियां कहती हैं, खासतौर पर रूलिंग पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और MSP का मूल्य देंगे, ये साफ क्लियर कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो जुमला है, जैसे एक कहावत है, एक खजूर में एक आदमी चढ़ गया, बहुत ऊंचे चढ़ गया, अब वहाँ से नीचे देखे तो उसे डर लगने लगा। उसने कहा कि हे हनुमान जी, अगर मैं नीचे उतर आऊँगा तो आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। और नीचे आया तो उसने कहा मैं 5 किलो चढ़ाऊँगा। फिर और नीचे आकर कहा 1 किलो चढ़ाऊँगा। जब उतर गया नीचे तो कहा मैं उतर गया क्या चढ़ाना। तो जब चुनाव निपट जाता है, चुनाव में तो घोषणा हो जाती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कहाँ 15 लाख, कहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट, कहाँ किसान को एग्रीकल्चर को उसको लाभ देना है। ये हुआ असली मुद्दा ये है। तो अभी तक जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, सुधान साहब ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को मिल करके ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जहाँ जैसा हमारा क्लाइमेट है पूरे देश में, जैसी हमारी सोयल है, कौन सी हम ज़मीन में कौन सी चीज़ पैदा कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमारे देश में इतने 75 साल हो गए, अभी तक सही काम किया, बहुत आगे बढ़े हैं। हम ये नहीं कहेंगे काम कम नहीं किया, बहुत आगे बढ़े हम, खाद्यान्न में हर चीज़ में आगे हो गए, लेकिन हमें और काम करने की आवश्यकता है जिससे कि किसान को उनको मेहनत का उनका वाजिब मूल्य मिल सके। और भी कई कारण हैं पॉलिटिकल,
जैसे बिहार है, पंजाब है, ये कृषि कानून तीन क्यों आए? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि किसान पे हम इनकम टैक्स लगाएं, उसकी उपज पे लगाएं। अब पंजाब का किसान चाहे जितना एकड़ का मालिक बना रहा है, चाहे 10,000 एकड़ पंजाब में रह विदेश में रह रहा है और सबसे बड़ा किसान है, उसके पास 10,000-5,000 एकड़ फार्म हाउस है, बिहार में है, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन जो असली किसान काम करता है, जिसको बटाईदार हमारे डॉक्टर साहब ने भी समझाया था, उसकी प्रॉब्लम है, घाटा उसको हो रहा है। वो मेहनत करता है, बीज लगाता है, अगर ठेके पे ले लिया तो, अगर बटाई पे लिया तो। उसके लिए अभी कोई उपाय गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि देखा गया, अगर कोई बेमौसम बारिश हो गई या कोई मौसम से फसल ख़राब हो गई, तो सीधे किसान को जिसके नाम ज़मीन है उसको सीधे लाभ मिल गया, जो भी थोड़ा पैसा मदद सरकार देती है, और बटाईदार को कुछ नहीं मिला, उसको कोई लाभ नहीं मिला। इस पहलू पे भी सोचना पड़ेगा, इस पहलू पे भी काम करना पड़ेगा हमें। तो आज जो हमारा किसानी सेक्टर है पूरा घाटे में है, और हमें इसको कैसे आगे बढ़ाएं, गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति में क्या कर रही है? नई शिक्षा नीति में अब आप लोगों ने देख लिया कि अग्निवीर आ गए, फिर इसके बाद जो है कृषिवीर भी आ जाएंगे कृषि विभाग में, फिर हर विभाग में इंजीनियर वीर आ जाएंगे, सब वीर आ जाएंगे, फिर किसी को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। लोग क्यों आक्रोशित हुए? सेना में केवल लोग प्रॉफिट के लिए नहीं जाते थे, केवल देशभक्ति थी कि हम देश के लिए लड़ेंगे। अगर शहीद हुए, देश की मिट्टी के लिए शहीद हुए, तो हमारा नाम रोशन होगा और शहीद स्मारक में हमारा नाम लिखा जाएगा, और हमको परिवार को 1 करोड़ करीब जो उनको मिलता था वो, और जो पेंशन मिलती थी, सेना में पेंशन है, पेंशन को ख़त्म करने के लिए ये 4 साल की स्कीम है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि उसको कितनी पेंशन रिटायर होने के बाद मिलती है और कितना वेतन दे रहे हैं। ऐसा समझा रहे हैं कि जैसे कृषि, जब 3 कृषि कानून आए थे, पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, पूरे मीडिया के लोग लगे हुए हैं कि समझा रहे हैं कि बहुत फ़ायदा है, जैसे किसानों को 2-1.5 साल तक समझाया था। तो क्यों नहीं लेटर एंट्री में 4 साल की जो है, 3-4 साल के लिए जो सीधे परमानेंट कैबिनेट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं 3 साल के लिए ISO कैबिनेट सेक्रेटरी बना रहे हैं, उसमें नहीं करेंगे? आरक्षण ख़त्म हो रहा, सबसे बड़ी जो समस्या आरक्षण ख़त्म करने की हर सेक्टर में, क्योंकि मामला आज विषय है एग्रीकल्चर का है, हम थोड़ा सा उससे भी हटके बोल दिए, तो ये मामला सब जगह आना है, हमारे घूम फिर करके हमारे एग्रीकल्चर पे ही बोझ आएगा। जब कोरोना काल हुआ, कौन सा सेक्टर रहा जो मजबूत किया और किसने ग्रोथ दिया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमको संभाला, नहीं सारी हमारा इंडस्ट्री से लगा के सारा हमारा फेल हो गया। तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के वैज्ञानिकों को विश्वास में लेकर के और उनको फ्री कि आपको काम करना है। अब देश में परंपरा है, जो चाहता होगा, एक विभाग में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष। पक्ष वाला चाहे जूनियर हो तो अगर मक्खनबाजी करता है तो टॉप की पे पहुंच जाएगा, और जो सीनियर है अगर वो कट आलोचना करता है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, उसको जो है प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, और बल्कि पनिश कर दिया जाएगा, वो नीचे ही बना रहेगा। तो ये भावना ख़त्म करनी पड़ेगी, फ्री उनको हैंड करना पड़ेगा कि आप सीनियरिटी के आधार पर फ्री, उनकी योग्यता के आधार पर फ्री होकर काम करें, तब हमारा देश का कृषि सेक्टर
आगे मजबूत हो सकता है, और जैसे हमारी यहाँ की ज़मीन है, जहाँ की क्लाइमेट है, उस तरह से हम फसलें तैयार करें। केवल हम गेहूँ धान के भरोसे ना रहें, इसके लिए हम चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे आपके मसाले हैं, तमाम चीज़ें अगर हम लोग पैदा करते हैं तो हमारा देश दुनिया में नंबर एक बन सकता है, क्योंकि हमारे पास लैंड से ज़्यादा है, हमारे पास जो है तो हैंड से ज़्यादा है दुनिया में लोगों के पास। हम लोग देखें धान की जब खेती, हम जब छोटे छोटे थे तो महिलाओं को बच्चों को धान की रुपाई के लिए लोग ले जाते थे, तो मालूम है क्या देते थे? चबेना, उनको चबेना परेठा दो मिल जाता था, नमक और थोड़ा सा घुघरी, चने की या गेहूं की घुघरी मिल जाती थी, उससे केवल रुपाई कराते थे। फिर इसके बाद आया, फिर 10 रुपया देने लगे। अब भी उनकी जो है, जो मजदूर हमारा धान की रुपाई कर रहा है, उसको मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मजदूरी नहीं मिल रही, क्योंकि लोग पास काम नहीं है, लोग तो स्वाभाविक के बच्चे जाएंगे, चाइल्ड लेबर रहता ज़्यादा वहाँ, घर के 10 बच्चे चले गए, 10 लोग चले गए, तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हल करने के लिए हमें, एजुकेशन सेक्टर हमारा कमज़ोर हो रहा है, कोरोना काल से तो और दिक्कत आ गई, और इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब बहुजनों को जो है ख़ास तौर पर उनके ऊपर खतरा है, जो जिस जात का है उसको पैसा करने के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको लोन मिलेगा। मैं निषाद हूँ तो मुझे मछली पालन के लिए लोन मिलेगा, मैं मछली पालन करूँ, मैं देश में IAS न बन सकूँ, मैं पॉलिटिशियन न बन सकूँ। कोई अगर विश्वकर्मा है तो उसको लोहार बढ़ाई के लिए काम मिलेगा, और उसको आगे पढ़ाई के लिए उसके लिए नहीं मिलेगा। तो ये नई इनकी पॉलिसी है। हमें लगता है कि जिस तरह से मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर व्यवस्था थी, वही व्यवस्था RSS जो है ये संग लाना चाहती है। इसमें अगर किसी को अगर ख़राब लगे तो हम उनसे माफ़ी चाहेंगे। जो आज हम देख रहे हैं पूरी तरह से उसी का ढांचा तैयार हो रहा, आगे हमारे बच्चों की हमारा आरक्षण खत्म हो गया, हमारी जाति जनगणना नहीं हो रही, हमको जाति जनगणना आधार पर सभी सेक्टर में भागीदारी नहीं मिल रही, और हमारी पीढ़ी आगे, हमारा जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, सोच रहा है पढ़ के मैं क्या करूँगा, आगे पढ़ के क्या करूँगा, मुझे नौकरी नहीं मिलना, मैं क्या करूँगा, घर में बैठ के क्या करूँगा। माँ बाप भी कहेंगे कि इसलिए पढ़ाया था कि तुम घर में आके झगड़ा करो। तो आज ये सब प्रॉब्लम है यूथ के साथ में, इसलिए आज बच्चे अग्रसित हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जाति जनगणना हो और हमको उसके आधार पर सभी सेक्टरों में भागीदारी मिल जाती है, अपने आप भग जाएंगे। एक कानून बनाने वाले इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक बंधुओं को, अपने जय विक्रम सिंह के तमाम साथियों को, लीडर पीपल हमारे यादव जी बहुत दिनों से संगठन चला रहे हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।